अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आज है संडे, तो हैप्पी संडे। सारे एंजॉय कर रहे होंगे संडे, जाहिर सी बात है। तो आज गर्मी तो इतनी शदीद है कि बाहर निकलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो बाहर निकले तो मेल्ट हो जाएंगे हम। भावलपुर की गर्मी बहुत शदीद है। जो भावलपुर के हैं उन्हें तो पता होगा कितनी गर्मी पड़ती है यहाँ पे। तो आज घर में ही हमारा प्रोग्राम है, कुछ फन करने का, कुछ बनाने का। तो हस्बैंड जो है मेरे, आज हमें बना के खिलाने वाले हैं पैटी बर्गर। तो आज मैं उनकी करूँगी हेल्प। और आप देखिए जी, वो मेरे हस्बैंड जो है पैटी जो है वो रेडीमेड ही ले आए थे कल ही। तो पैटी जो है मैं कर लूँ फ्राई, उसके बाद रेडी जो है वो मेरे हस्बैंड करेंगे। तो चलें, बने रही है मेरे साथ, आज बहुत मज़ा आने वाला है। चलें जी, तो ये है पैटी, सेवर कंपनी की हैं ये। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं। तो इम्तियाज़ से जो है हम फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हैं फ्रोज़न फूड। तो चले टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसी हैं। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है। तो चले अब इसको करते हैं फ्राई। इसमें 16 निकलती हैं आई थिंक, 1 किलो का पैकेट होता है ये। हाँ जी, शान क्या कर रहे हैं आप? पैटी बर्गर बना रहे हैं। अच्छा जी, हस्बैंड जो थे मेरे कह रहे हैं कि पैटी मैं खुद ही फ्राई करूंगा। तो चलें, मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, ध्यान से बस कोई ऑयल का छींटा वगैरह ना लग जाए। साथ में जी है मेरा बेटा, वो भी अपनी बाबा की जो है हेल्प करवा रहा है। महत आप इस तरफ आओ, देखिए बेटा कोई छींटा ना लग जाए ऑयल का। जी, तो मेरे हस्बैंड को जो कुकिंग करने का बहुत शौक है, तो बस मुझे होता है कि किचन में अगर ये घुस गया तो बर्तन जो हैं वो इतने हो जाते हैं कि सिंक से बाहर आने लग जाते हैं। तो कम ही घुसने देती हूँ किचन में, लेकिन कि मेरी हेल्प करवाते हैं हस्बैंड मेरे, और करवानी भी चाहिए, अपनी वाइफ की हेल्प करवानी चाहिए। तो हस्बैंड जो हैं मेरे इस मामले में बहुत अच्छे हैं, खैर वैसे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कि मेरी हेल्प करवाते हैं किचन में। खुशू की आ रही है, चिकन की आ रही है ना। पता भी नहीं है ना, चिकन आजकल महंगा है तो कुछ भी कर दी खिला दे। अच्छा, इम्तियाज से जो भी हम चीज लेते हैं फिलहाल तो ये बड़ी अच्छी निकलती है। कुछ भी हमने साल हो गया हमें यूज करते हुए इम्तियाज, हर चीज तकरीबन उसकी अच्छी है 100%। बहुत वराइटीज है, बहुत मतलब एक मॉल में जाए तो आप हर चीज वहाँ से ले सकते हैं। ग्रोसरी है, क्रॉकरी है, वेजिटेबल है, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही। तो फ्रोजन फूड जो हम फर्स्ट टाइम में ट्राई कर रहे हैं इसका, है ना? इसका हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। चलिए आज टेस्ट करके देखते हैं, फिर इसके बाद जो है ये क्या कर रहे हैं। महद आप जी, तो बेटा मेरा जो है सैलेड काटने की तैयारी कर रहे हैं, और गर्मी बहुत शदीद है। महत काट रहे हैं सैलेड, नाइफ दे के हाथ पे कटा लगते हैं आपके। अम्मा जो तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम किचन में, तकरीबन फीमेल का तकरीबन मुझे लगता है कि 7-8 घंटे दिन में जो किचन में ही गुजरते होंगे। तो बेटा जो है मेरा काट रहा है सैलेड, बड़ा शौक है इसको सैलेड काटने का। कैसी गर्मी है, बहुत है। पर किचन में किचन में तो टेम्परेचर मुझे लग रहा है 60-70 होगा। भावलपुर का ऑलरेडी बहुत शदीद गर्मी होती है यहाँ पे। अब बाहर हवा लेने आ गए किचन से बाहर। बड़ा विंडी वेदर है, हवा चल रही है। पापा की हेल्प करवा रही हो आप? क्या कर रही हो? मैं देख रही हूँ जी, हेल्प हो गई। और ये चाचू के सॉन्ग गा रही है। चाचू को नहीं पता, चाचू को नहीं पता हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यानी आपकी पैटी कहाँ तक पहुँचे? 50% हो गए। अच्छा चले, मैं बाकी की जो चीजें ना वो भी निकाल के लूँ। और मैं वेजिटेबल हो गई आपकी? ये देखो रिफ्लेक्ट पड़ रही है ना, अजीब सा लाइव हो जाती है, धूप है ना किचन के बिल्कुल सामने। टमाटर का जूस निकल जाएगा, ऐसा ऐसे नहीं कटेगा? नहीं तो कट जाएगा, शार्प ना, नाइफ से शार्प ना, फिर इस तरह निकल जाता है जूस, वरना नहीं।
टमाटर देख लो, अगर किसी ने खाना है तो काट लो वरना नहीं। आप पहले इसके ऊपर वाले ज़्यादा शॉक कर दिए आपने। निकाल दे मैंने। नहीं अभी वो आपने ज्यादा फ्लेम ज्यादा तेज कर दी थी, मुझे बताया नहीं आपने ज्यादा तेज कर दी, क्योंकि एक तरह से रेडी हो चुके थे ना। नहीं अभी मैं अपने उसकी फ्लेम पे ला दूंगा। चलिए बस मेरे सामने निकाल दें इनको, है ना। वो दूं आपको ये इससे ना स्टेन हो जाएगा अच्छी तरह से। आप 20 सेकंड और ज्यादा हो जाएंगे नहीं तो मुदाखलत नहीं कर रही हूँ, मैं साजिश कर रही हूँ। हो गया तो ये है जी बच्चों के चाचू। बच्चों के चाचू भी आ रहे थे, मम्मी भी इधर ही थी आज, तो आज फन कर रहे थे हम घर में ही। तो मौसम अगर अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह शाम को देखेंगे, बाहर निकले का प्रोग्राम बनाएंगे हम। जी वन में ले आई हूँ सैलेड, मेरे बेटे ने काट दी है और अब बस रेडी करना है। तो रेडी है जो है हम अंदर बैठ के करेंगे, अंदर तो कूलर चल रहा है ना, किचन में बहुत गर्मी है, बस पैटी फ्राई करने थे, उसके बाद रेडी इसको हम अंदर बैठ के कर लेना ना। जी तो हस्बैंड जो है मेरे जो है पैटी बर्गर जो है रेडी कर रहे हैं, मायनीज केचप लगा लिए हमने। तो फोरकास्ट तो है देखो, अगर शाम को मौसम अगर अच्छा हो गया तो इंशाल्लाह बाहर भी निकलेंगे। वो वीडियो जो है आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूंगी मैं, क्योंकि आज की वीडियो जो है मुझे लग रहा थोड़ी लंबी हो गई है। तो बेटा जो है साथ कर रहा है अपने बाबा की हेल्प। गला मेरा थोड़ा हो गया है ख़राब, पता नहीं कोल्ड ड्रिंक जो मैंने पी थी बहुत यख थी, वो शायद इस वजह से कूलर हमने चलाया हुआ है कमरा, इस वक्त हमारा चिल हुआ है। और हम कर रहे हैं आज घर में ही मज़ा। वैसे तो हर संडे को हमारा या तो बाहर कोई प्लान होता है या फिर घर में ही हम कोई ना कोई जो है चीज़ बना लेते हैं, हस्बैंड साथ होते हैं बच्चों के साथ मिलके। तो एक दिन ऐसा होना चाहिए जब अपनी फैमिली के साथ जो पूरा स्पेंड करें आप। तो हस्बैंड जो है वो सारा दिन या तो हम बाहर होते हैं या फिर हम घर में अगर हों तो कोई ऐसी मतलब चीज़ बना ली आपस में बैठ के, मतलब हस्बैंड ने हेल्प कर दी या हमने उनकी हेल्प कर दी, तो बड़ा अच्छा जो है वो टाइम गुजर जाता है, बड़ा मज़ा आता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। वालदेन को करना चाहिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो आई होप जो है आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी जी। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाए करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है जी। अब हम करेंगे ट्राई, दिखने में तो खैर बहुत टेस्टी लग रहा है, वो तो बाइट लेंगे तो मज़ा आएगा। फिर वेजिटेबल मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, कैबेज या फिर खीरे जी। हमारे पास जिस जिस किस्म के भी रखे हुए तो बन वो हमने बना लिए हैं जी। ये देखिए जी, ये हम सब का जो है रेडी हो गया है जी, रेडी हो गए हमारे पैटी बर्गर मेड बाय हबी जी। तो अब मेरे हस्बैंड कर रहे हैं डिवाइड, कोल्ड ड्रिंक डाल के जी, अपनी तारीफें खुद ही किए जा रहे हैं। वो तो हम टेस्ट करेंगे तो बताएंगे। इधर अच्छा, यही आपने टेस्ट नहीं किया अभी, ले आप ही आप टेस्ट करें। हम्म
मजेदार। ये कैसा है एकदम? ये मस्त क्यों हो गया?